नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केएल राहुल को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, और यही नहीं T20 वर्ल्ड कप में राहुल को लेकर बहुत ही अच्छी खबर भी लेकर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों क्या है पूरी रिपोर्ट, क्या है ये खबर, हम बात करने वाले वीडियो में, तो बने रहिए हमारे से, देखते हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जरूर जो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो लेकर आए तो उसका अपडेट और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो में कि क्या है पूरी रिपोर्ट और क्या है ये खबर। तो अब दोस्तों अगर हम बात करें तो IPL के बाद जो T20 वर्ल्ड कप उसका सभी फैंस को इंतज़ार है, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि टीम इंडिया का जो प्रैक्टिस मैच है वो अभी फिलहाल चालू है। पहला प्रैक्टिस मैच हमें देखने को मिला इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, जहां पे इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी हुई थी, जहां पे इंग्लैंड ने 188 रन बनाए थे 20 ओवर के बाद। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो टीम इंडिया ने इस रन को काफ़ी अच्छे तरीके से चेस किया है और 6 विकेट से इसे अपने नाम किया है। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस मैच में अगर बात करें तो इंडिया की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही थी। गेंदबाजों की पिटाई अगर हम देखें तो राहुल चहर काफ़ी महंगे साबित हुए थे, हालांकि बैट्समैनों जो है उनकी रिकवरी कर ली और पूरी तरीके से मैच को अपने मुट्ठी में कर लिया। अगर दोस्तों बात करें, भले ही ये प्रैक्टिस मैच था लेकिन टीम इंडिया के लिए, उनके खिलाड़ियों के लिए और उनके फैंस के लिए इस मैच को जितना किसी ना किसी तरीके से उनके मनोबल को काफ़ी अच्छा बढ़ा रहा है कि इस आने वाले वर्ल्ड कप में हमारी टीम इंडिया जो काफ़ी अच्छे से प्रदर्शन करेगी, और जैसे कि हमें इस वर्ल्ड कप की जीत की जरूरत है ताकि इंडिया जो है अपना ट्रॉफी उठाते हुए नजर आए, ये हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर बात करें तो जवाब में केएल राहुल और ईशान किशन ओपनिंग करने उतरे। वहीं पर अगर बात करें तो ईशान किशन ने जो 46 गेंदों में 70 रन बनाए, 7 चौके और 3 छक्के जड़े हैं। अगर दोस्तों बात करें किशन और राहुल की, तो दोनों की जो साझेदारी थी काफ़ी अच्छी रही, तेज तरह इन्होंने शुरुआत दी, और अगर हम देखें तो केएल राहुल ने भी अपने फॉर्म को बरकरार किया है IPL से लेकर के। वहीं अगर बात करें ईशान किशन की, जैसे कि पिछले 2 मैच में उन्होंने IPL में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो यहाँ भी अपने फॉर्म को वो कंटिन्यू लेकर आए हैं और धुआंधार 46 गेंदों में 70 रन की पारी के लिए 152 गेंदों में। हालांकि दोस्तों वो आउट नहीं हुए लेकिन रिटायर हट के चलते उन्हें बाहर जाना पड़ा। उसके बाद अगर बात करें तो केएल राहुल जो कि ओपनिंग करने आए थे, उन्होंने 24 गेंदों में 51 रन की पारी खेली है 212 के स्ट्राइक रेट से, 6 चौके और 3 बड़े हिट्स इन्होंने मारे हैं। इनको अगर दोस्तों बात करें, इनका विकेट लिया मार्क वुड ने, मोइन अली का कैच पकड़ा था। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो विराट कोहली जो कप्तान है टीम इंडिया के, वो ज़्यादा लंबी पारी नहीं खेल पाए, 13 गेंदों में 11 रन। और वहीं अगर बात करें विकेट कीपर और बैट्समैन यानी कि ऋषभ पंत की, तो उन्होंने 14 गेंदों में 29 रन ठोके 207 के स्ट्राइक रेट से, और 3 बड़ी हिट्स उन्होंने धुआंधार पारी खेलते हुए लगाई है। जिसके बाद अगर दोस्तों बात करें, सूर्य कुमार यादव ने 8 रन की पारी खेली और हार्दिक पांड्या नॉट आउट 12 रन की पारी खेले हैं। तो अब दोस्तों ऐसे में अगर हम देखें तो प्रैक्टिस मैच को इंडिया ने 7 विकेट से इस मैच को जीता है, और कहीं ना कहीं यह दिखा रहा है कि इंडिया का जो मनोबल है वो काफ़ी अच्छा बढ़ा रहेगा। अगर दोस्तों बात करें कप्तान केएल राहुल की, तो उनको लेकर और भी न्यूज़ निकल के सामने आई है कि कप्तान विराट कोहली ने बोल दिया है कि T20 वर्ल्ड कप में अगर ओपनिंग की जिम्मेदारी जो रहेगी वो संभालेंगे केएल राहुल और रोहित शर्मा। जी हाँ दोस्तों, ये दो ऐसे बल्लेबाज जो ओपनिंग जोड़ी में हमें नज़र आएंगे। उसके बाद अगर देखें तो 3 नंबर पे विराट कोहली खुद बल्लेबाजी करते हुए नज़र आएंगे। दोस्तों अगर बात करें तो विराट कोहली का ये फैसला कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा साबित हो रहा है, और इसी तरीके से अगर इंडिया खेलती रहे तो किसी न किसी तरीके से वर्ल्ड कप जो है हमें ज़रूर उठाते हुए नज़र आएगी टीम इंडिया। और विराट कोहली का, जैसा कि अगर हम बात करें, ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है बतौर कप्तान T20 मैचों को लेकर के, तो कहीं ना कहीं विराट कोहली को भी अच्छी खासी खुशी होगी कि जाते जाते टीम इंडिया को एक वर्ल्ड कप दिला के जाएँ। तो आपका क्या कहना है केएल राहुल के बारे में और उनके पोजीशन के बारे में, क्या यह पोजीशन सही है कि नहीं सही, आप में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।